इस तरीके से आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं वो भी हम जानेंगे। कि अच्छी तरीके से काम करते हैं तो लोग आपके काम को देखते हैं, अगर काम अच्छा होता है तो आपको फॉलो भी करते हैं, इसी के साथ में आपसे सलाह भी लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर आपको फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आपको अपनी अच्छी वीडियो अच्छी क्वालिटीज़ में, ये नहीं है कि आपके पास कैमरा होना चाहिए, इसी के साथ में अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी आप वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। अब वो पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर अच्छे अगर आपके फॉलोवर्स हो जाते हैं, अच्छी वीडियो डालते हैं, जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे कि कुकिंग की है या फिर ब्लॉगिंग की है या फिर आप टेक की नॉलेज रखते हैं, फिर आप कोई जैसे कि कंपनी या फिर कोई जॉब करते हैं, तो इसी के साथ में अपने काम से रिलेटेड आप वहां पर बता सकते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की, आपको इंस्टाग्राम पर क्या क्या करना होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में यहाँ पर लिख भी रखी हैं, इसी के साथ में मैंने यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीन शॉट देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो आपको फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आप इंस्टाग्राम से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ये नहीं है कि आपकी वीडियो पर वहाँ पर ऐड चलेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम आपको पैसे नहीं देता है, चाहे आपके 1 मिलियन आपके फॉलोवर्स हो जाएं, इंस्टाग्राम अकाउंट को आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आप कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि गिफ्ट है, इसी के साथ में बोनस है, और आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, ब्रांड कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आखिर इन चारों अगर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इंस्टाग्राम पर, तो कहने का मतलब है आप यहां पर पैसे कमा सकते हैं। अब आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्रांड कनेक्ट की। इसी के साथ में अगर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप वहां पर गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो आप जानते हैं कि मार्केट में अभी इस समय बहुत सारी जो गेमिंग चल रही हैं, जो कि आपको अच्छा खासा वहाँ पर स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा दे सकती हैं। कहने का मतलब है आप उनकी वेबसाइट से ही, चाहे आप उनकी एप्लीकेशन को सही प्रमोट करा सकते हैं। जैसे कि लूडो गेम है, आपने सुना हुआ एविगेटर के बारे में, ठीक है, या फिर लकी जट के बारे में, तो वहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कि भारत के अंदर जो कि नए नए क्रिएटर्स हैं या फिर यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्राम पर जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, तो उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए यहाँ पर पैसे दे रही हैं, और वो अपनी वेबसाइट के लिए या फिर उनकी आपको लिंक या फिर आपको उनकी वेबसाइट के बारे में बताना होता है। तो इससे यह है कि जो आपको वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिल जाती हैं, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आखिर आपके कितने फॉलोवर्स हैं, इसी के साथ में आपकी वीडियो पर कितने व्यूज आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऊपर निर्भर करती हैं, और आप उसी हिसाब से ही यहाँ पर पैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आपके 1 मिलियन यहाँ पर फॉलोवर्स हैं, तो कम से कम आप यहाँ पर 50 से 70 हज़ार रुपये ले सकते हैं एक स्पॉन्सरशिप के 1 मिनट की वीडियो बनाने के। ठीक है, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं गिफ्ट। अगर आपकी वीडियो अच्छी है और किसी को कुछ सलाह देती है, अच्छी सलाह, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर गिफ्ट के ज़रिए भी आपको पेमेंट कर सकता है। बोनस की बात कर लेते हैं, बोनस तो आप जानते ही हैं कि अगर इंस्टाग्राम आपको बोनस दे सकता है या फिर कोई भी यहाँ पर बोनस दे सकता है। सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, वो आपको मिलता है 20,000 अगर आपके फॉलोवर्स हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आपको, जो कि इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो आप उसके भी ज़रिए यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन को कोई भी लेता है तो वहाँ पर वो पैसे पे करना पड़ते हैं उसे। ठीक है, आप इसके लिए एक मेरी डिटेल वीडियो है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आप अपनी अमाउंट यहाँ पर खुद से सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आखिर इंस्टाग्राम पर आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसकी भी कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ठीक है, इसी के साथ में कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसी के साथ में कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी, ठीक है। अब इनके बारे में हम चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। जैसे ही आपके 800-900 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का और ब्रांड कनेक्ट का जो ऑप्शन छोड़कर और आपको यहाँ पर सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। पर मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके इंस्टाग्राम वीडियो पर ऐड चलाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी है वो ये है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो अच्छी वीडियो होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं किसी की आपने चोरी कर ली। तो यहाँ पर जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो नियम होते हैं वही नियम यहाँ पर भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है आपको अपनी ओरिजिनली वीडियो डालनी होगी और किसी भी तरीके की स्कैम की वीडियो नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेकर, ठीक है। अब पॉलिसी ये भी कहती है कि जैसे कि अगर आपके 20,000 फॉलोवर्स हो जाते हैं
तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, इसी के साथ में ब्रांड कनेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो कंटेंट में वही चीज़ आ जाती है जैसे कि अगर आप वीडियो अच्छी डाल रहे हैं या फिर आप किसी की चुरा के नहीं डाल रहे हैं तब तो जो आपकी वीडियो है वो सही रहेगी, ठीक है, किसी भी तरीके की कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं आएगी या फिर आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी। आपने सुना भी होगा कि जो इंस्टाग्राम पर हैं कई सारे अकाउंट हैं वो डिलीट हो जाते हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर पैसा भी कमाते हैं, ठीक है, तो वो इसी वजह से हो जाते हैं जो कि उनके कंटेंट हैं वो सही नहीं होते हैं। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस। कम्युनिटी गाइडलाइंस आखिर क्या होती है? कम्युनिटी गाइडलाइंस वो होती है जैसे कि अगर आप किसी की वीडियो भी डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है, अपने यानी कि चाहे यूट्यूब पर सही चाहे आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर सही, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब ये होता है कि आप वीडियो किस तरीके की डालना है, ठीक है। इसमें आ जाती हैं जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में जैसे कि सेक्सुअली अगर आप किसी से कोई गलत तरीके से आप वीडियो डालना है जैसे कि आप समझ सकते हैं सेक्स से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कुछ लिंक वगैरह दिखा रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं उसमें, या फिर कोई ऐसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्रॉड है, ठीक है। इसी के साथ में आप वीडियो में कुछ ऐसा बता रहे हैं जिससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है, तो ये आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत, ठीक है। तो इससे यह है कि जो आपकी वीडियो तो डिलीट होगी ही होगी, इसी के साथ में आपको यहाँ पर पेनाल्टी भी पड़ सकती है। अब पेनाल्टी किस तरीके की पड़ सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, यानी कि वीडियो ना तो अपलोड कर पाएंगे ना तो पोस्ट कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आप 3 यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ देते हैं, ठीक है, हालांकि यूट्यूब में दिया गया है, सबसे पहली बार तो यूट्यूब में वार्निंग दी जाती है, उसके बाद में 3 आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस दी जाती है, अगर 3 आप क्रॉस कर देते हैं यानी कि अगर आप उनका वायलेशन कर देते हैं तो जो आपका अकाउंट है यूट्यूब पर वो डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। पर इसमें यह है अगर आप ज़्यादा ही गलती करेंगे तो जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डिलीट यहाँ पर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपको इंस्टाग्राम कोई अलग से पैसे नहीं देता है, वो भी सिर्फ आपको आपकी मेहनत के ही पैसे देता है, ठीक है। इसी तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं और पैसे कमाने के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट भी देख पा रहे हैं जो कि अर्निंग से रिलेटेड है और आप यहाँ प्रूफ भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहां पर इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।